तो फाइनली गणपत मूवी का टीजर आ चुका है और हम सब लोग इसका काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। मैं पर्सनली काफी टाइम से इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं फैन हूँ, मतलब हम लोग मार्वल डीसी देखते हुए आए हैं, तो हम फ्यूचरिस्टिक और सुपर हीरो इस तरह की या डिस्टोपियन फ्यूचर इस तरह की मूवीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। खैर फाइनली मैंने भी ये टीजर देखा और टीजर देखने के बाद मेरे माइंड में भी फाइनली काफी सारी चीजें आई। ऑन अ पॉजिटिव नोट, मैं काफी पॉजिटिव इंसान हूँ अपनी लाइफ में। मेरा सबकॉन्शियस माइंड का जो इंजीनियरिंग है वो कुछ ऐसी है कि मुझे पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती है पहले, तो मुझे पहली नजर में टीजर अच्छा ही लगा। फिर मैंने इसको 3-4 बार और देखा तो फिर मुझे धीरे धीरे वो चीजें जो कमियां हैं वगैरह वो भी दिखाई देनी शुरू हो गई। और फिर फाइनली मैंने ये चीज डिसाइड की कि हाँ, इस टीजर को देखने के बाद मेरी मिक्स फीलिंग्स हैं। अब देखो, मिक्स फीलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि 50% पॉजिटिव या 50% नेगेटिव है ना। मिक्स मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है 80% पॉजिटिव हो और 20% नेगेटिव, या ऐसा भी हो सकता है कि 80% नेगेटिव हो और 20% पॉजिटिव। ज्यादातर मैं चीजें पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरी नजर में इसमें नेगेटिव चीजें काफी कम है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा है। जबकि हाँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीजें काफी ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें कम है, बट मैं गिनाता हूं तुम्हें कि पॉजिटिव चीजें ज्यादा कैसे हैं और नेगेटिव चीजें कम क्यों हैं। तो नेगेटिव चीजें जो मुझे कम लगी इस टीजर में, पहली तो बात सब लोग वही VFX का रोना रोने लगते हैं। मैं बताता हूं, कोई भी मूवी आएगी, कोई भी टीजर आएगा, सबसे पहले उनको VFX दिखाई देता है, ठीक है। ये तो चलो डिस्टोपियन फ्यूचर बेस्ड मूवी है तो यहां पे VFX का रोल है। लोग तो आजकल लव स्टोरी या कंटेंट बेस्ड सिनेमा में भी VFX का ब्रेकडाउन करने लगते हैं। खैर वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग नहीं है। एज यू नो, इस टीजर में अगर जो सबसे बड़ी एक नेगेटिव बात है वो इसके VFX ही है, नो डाउट। डिटेलिंग की कमी है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी डिटेलिंग की कमी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसके VFX इतने बेकार नहीं है जितना शायद इसको ट्रॉल किया जाने वाला है। मैं पता नहीं कि मेरे माइंड में चीज आ रही है कि इसको VFX को लेकर ट्रॉल किया जाएगा, लेकिन इसके VFX इतने बुरे नहीं है। इवन हमने इससे बुरे बुरे VFX देखे हैं इस बजट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल VFX का आदि पुरुष को लेना चाहूंगा। आदि पुरुष 500 करोड़ की मूवी थी और ये आई थिंक 200 करोड़ के आसपास की मूवी है, और इसके VFX फिर भी बेटर है एज कम्पेरिजन टू आदि पुरुष। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो ये कि इसमें VFX वीक नहीं है उतना, जितना कि इसकी कलर पैलेट डिफरेंट है बाकी के डिस्टोपियन मूवीज के मुकाबले। इसके कलर थीम को आम डिस्टोपियन मूवीज की तरह डल, डार्क और डिप्रेसिंग नहीं रखा गया है, बल्कि इसके कलर्स काफी वाइब्रेंट हैं, जिसकी वजह से आम जनता का सबकॉन्शियस इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा है कि ये एक डिस्टोपियन मूवी है। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है लोगों की, लेकिन वो इसको VFX से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि कलर अगर थोड़े डल और ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है तो VFX की कुछ कमियां वहां पे भी छुप जाती है। ये रिक्वायरमेंट होती है VFX की। आदि पुरुष में भी भरपूर कोशिश की गई थी इस चीज का इस्तेमाल करने की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी टीजर को अगर कल की मूवी वाले कलर पैलेट के साथ वापस से रेंडर किया जाए तो यही टीजर लोगों को फायर लगने लगेगा। एटलीस्ट जिन्हें इसके VFX में प्रॉब्लम लग रही है उनको तो लगने ही लगेगा। अब ऐसा क्यों है, इसकी कलर पैलेट को ऐसा क्यों रखा गया, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये विकास बहल साहब की, इसके मेकर्स की क्रिएटिव चॉइस है, वो वाइब्रेंट थीम के साथ डिस्टोपियन फीचर दिखाना चाहते हैं, जो कि अपने आप में एक रिस्क है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसके कलर करेक्शन का काम अभी बाकी हो। हमने हनुमान के टीजर के साथ ये सब देखा था, और हो सकता है इसके ट्रेलर के टाइम पे वो हमें देखने को मिल भी जाए, या फीडबैक के बाद मेकर्स इस पे ध्यान भी दें। हमने आदिपुरुष के टीजर में देखा हुआ है कि कलर करेक्शन से कितना फर्क पड़ता है। एक्चुअल जो टीजर था और ट्रिबेका वाला जो टीजर था वो सेम टीजर था, लेकिन कलर करेक्शन की वजह से वो कितना अपस्केल हो गया था। और जिन लोगों ने मेरे आदिपुरुष की वीडियोस देखी होंगी, सारी वीडियोस की बात कर रहा हूं, एक आध वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, उनको पता होगा कि मैंने आदिपुरुष को भी VFX को लेके बैच नहीं किया कभी भी। उसका जो कंटेंट था, जो उनका रिप्रेजेंटेशन था रामायण का, उसको लेके मैंने हमेशा बात की है। VFX का मैंने कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मेंशन किया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी सिर्फ VFX नहीं होता मूवी को देखने का, या टीजर को देखने का, ट्रेलर को देखने का, किसी भी कंटेंट को देखने का। मैं ओवरऑल उसके अंदर जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें देखता हूं। तो हां, इसके VFX थोड़े कमजोर हैं, लेकिन चूंकि ये डिस्टोपियन फ्यूचर बेस्ड मूवी होने वाली है तो ये VFX के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करेगी, तो 100% इसके जो VFX है उनको बेटर होना होगा अगर इस मूवी को काम करना है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि आजकल VFX का गेम चालू है मार्केट में, हम सब जानते हैं। ऑन अ पॉजिटिव नोट, जो हमने इसका टीजर का अनाउंसमेंट वीडियो देखा था उससे इस टीजर के जो VFX है वो थोड़े अपस्केल्ड हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये लोग जब तक मूवी रिलीज होगी तब तक ये इसके VFX के ऊपर काम करते रहेंगे। और हम जानते हैं कि मार्वल भी, DC भी एट द एंड तक, जिस दिन मूवी रिलीज होती है उस दिन तक VFX के ऊपर काम करता रहता है, क्योंकि VFX इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। तो अब VFX को एक साइड रख देते हैं। दूसरी जो चीज इसमें नेगेटिव थी, दैट वाज टाइगर श्रॉफ खुद। मैं पर्सनली भी टाइगर श्रॉफ का कुछ नया रूप इसमें देखना चाहता था। मतलब ठीक है, हम लोग उनको हीरोपंती, बागी इस तरह की मूवीज में देख चुके हैं, और उनकी मार्शल आर्ट्स, जो भी उनकी फॉर्म है, फाइटिंग स्टाइल, वो हम लोग इतना देख चुके हैं, हर मूवी के अंदर एक ही टाइप का कैरेक्टर वो प्ले करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करते, वो अपने आप को ही प्ले करते हैं, वो हर जगह टाइगर श्रॉफ ही है। तो एज एन एक्टर अगर उन्हें ग्रो करना है तो अब इससे ऊपर उनको उठना होगा, उनको कैरेक्टर्स डिजाइन करने होंगे अपने, जो भी वो चरित्र निभाना चाहते हैं सिनेमा के अंदर, किसी फिल्म के अंदर पर्टिकुलर, उनके लिए अलग अलग कैरेक्टर्स उनको डिजाइन करने होंगे, खुद से करने होंगे। डायरेक्टर्स को इस बारे में सोचना चाहिए, टीम को सोचना चाहिए पूरी की पूरी। तो एक ये चीज डिसअपॉइंट करने वाली थी कि यहाँ पे भी हमें टाइगर श्रॉफ वही दिख रहे हैं पुराने वाले, वही रिपीटेड उनकी मूव्स दिख रही है मार्शल आर्ट वाली। कुछ अलग वो कर सकते थे मार्शल आर्ट में भी, हो सकता है वो टीजर में नहीं दिखाना चाहते हो, ट्रेलर में दिखाना चाहते हो, या मूवी में हमें दिख जाए वो चीज, मैं एक साइड रख देता हूँ उस चीज को भी। इसके अलावा आते हैं टीजर की पॉजिटिव पॉइंट्स पे, जो कि बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन साहब का लुक और उनका कैरेक्टर, भाई वो महारत
करती हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में या उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बोलना है इस टाइम पे, वो एक तरह से ये हो गया कि सूरज को दिया दिखाने वाली चीज हो गई है। जिस तरह के कैरेक्टर्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कल्की हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो गणपत हो, इवन मुझे उनका कैरेक्टर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी पसंद आया था। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनका कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। वहां पे वो आमिर खान को ओवरशैडो कर गए थे और मुझे लगता है कि ये इंसान इस टाइम पे भी, उम्र के इस पड़ाव पे भी, अपने कैरेक्टर्स के जरिए ये ऑन स्क्रीन किसी भी हीरो को ओवरशैडो करने की ताकत रखता है। इतना एक्सपीरियंस है भाई उस बंदे के पास। और इसमें जिस तरह से उनका कैरेक्टर डिजाइन दिखाया गया, मुझे याद आता है कि मैंने एक लीक पिक्चर देखी थी काफी पहले, वो शायद इंटरनेट के ऊपर से हटा ली गई थी बाद में। वो जिनका जो लुक है वो शायद लीक हुआ था एक बार, वो लुक देख के मुझे वो चीज कनेक्ट हो गई। मैं चाहता था कि इनका जो लुक है उसको ये पहले किसी पोस्टर के जरिए रिलीज करते तो और ज्यादा हाइप बनती इस टीजर के बारे में पहले से ही। जैसे उन्होंने गणपत का पोस्टर निकाला, जैसे उन्होंने जस्सी का पोस्टर निकाला कृति सेनन का, वैसे अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है उसका भी लुक इन लोगों को पोस्टर के जरिए आउट कर देना चाहिए था पहले ऑफिशियली। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग भी। वर्ल्ड बिल्डिंग इन्होंने बहुत अच्छे से किया, वीएफएक्स वाले पार्ट को साइड रख देते हैं, लेकिन जो थॉट पैटर्न है, जिस तरह से दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो दिखाने में काफी कामयाब हुए हैं ये। और एक बात जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि इसका सेट डिजाइन काफी अच्छे से किया गया है। यहाँ पे वो एक टॉप एंगल से गली दिखाई जाती है, मारा जा रहा है लोगों को, वहां पे जो नो मर्सी वाला टाइटल आता है वो पूरी तरह से जस्टिफाई होता है टीजर के अंदर। तो हर एक डिस्टोपियन मूवी की तरह यहाँ पे भी लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट होने वाला है। 2070 में एक ऑप्रेस कम्युनिटी होगी और एक दूसरी जो उनके ऊपर रूल कर रही होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ये एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है। डिपेंड करता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो और रिप्रेजेंट कैसे करते हो स्क्रीन के ऊपर। और उसी ऑप्रेस कम्युनिटी में एक काइंड ऑफ रेबेलियंस का ग्रुप होगा जिनका लीडर होगा अमिताभ बच्चन, सेम वैसे जैसे हमने कल्कि में भी देखा और भी बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में हम देख चुके हैं, बॉलीवुड की पुरानी मूवीज में भी हम देख चुके हैं। वो डिस्टोपियन फ्यूचर में नहीं होती, लेकिन हमेशा होता है कि जो ऑप्रेस वाली कम्युनिटी होती है उसमें से एक कोई मसीहा निकल के आता है। उसके पहले उनका जो पुराना मसीहा था अमिताभ बच्चन जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो उनको तैयार करके रखते हैं कि हमारा एक मसीहा आएगा एक दिन, तुम टेंशन मत लो, और तभी हमें लड़ना है, तब तक अपनी जो ताकत है उसको संगठित करके रखो। और वो चीज हमें टीजर में भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो वो जो चूजन वन वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे टाइगर श्रॉफ भी हमें इस मूवी में दिखाई देने वाला है कैरेक्टर गणपत का, चूजन वन वाला, वो भी एक काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और हमेशा चलता रहेगा, एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है। तो उसका वो जो स्टार्टिंग वाला शॉट था मेडिटेशन करते हुए, दैट वाज ब्रिलियंट। शायद उस शॉट की वजह से इसकी जो पहली फीलिंग मेरे माइंड में बनी इस टीजर को लेके वो पॉजिटिव ही थी। इसके बाद आते हैं हम कृति सेनन के कैरेक्टर जस्सी के ऊपर। भाई इस कैरेक्टर ने मुझे सरप्राइज कर दिया। जैसे कि हमारे परसेप्शन बने हुए ऑलरेडी, हम जानते हैं कि मूवीज के अंदर हीरोइंस को सिर्फ यू नो चिक्स के रूप में रखा जाता है, स्किन शो करने के लिए रखा जाता है, बट यहाँ पे जस्सी का जो कैरेक्टर है वो एक बैडएस एंगल दिखाता है। उसका वो जो एक पर्सोना है जस्सी का, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब कुडोस टू कृति सेनन की उन्होंने नंचक्स के लिए शायद ट्रेनिंग ली है प्रॉपर, क्योंकि नंचक्स बहुत टफ चीज होती है भाई। गलती से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लग गया ना, पूरी हड्डी चटका देगा भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज होती है नंचक्स। तो हाँ, उसको एकदम मक्खन की तरह तो नहीं चला पा रही है वो, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने उसको ऑपरेट किया, एंड आई एम इंप्रेस्ड विद दैट। तो जस्सी के कैरेक्टर के लिए मेरे मन में होप काफी ज्यादा बढ़ गई है। थर्ड थिंग, सीजीआई में मैकेनिकल चीता एक चलता हुआ आया है और वहां पे जो खड़ी हुई है वो लेडी, वो ही शायद इस मूवी की मेन विलन होने वाली है। एंड ये चीज देखने में ज्यादा इंप्रेसिव रहेगी कि एक लेडी जो है डिस्टोपियन फ्यूचर के अंदर, वो किस तरह से कम्युनिटी को दबा के रखती है और वहां पे अपना रूल स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी स्थापित किया हुआ है, उसको और ज्यादा ब्रूटल तरीके से इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। और ये चीज थोड़ी नई है देखने में, मतलब जो मेन विलन है वो फीमेल है इस तरह की डिस्टोपियन फ्यूचर वाली मूवीज में। काफी लोगों को जो टीजर में सेकंड जो शॉट आया है, जिसमें हमें वो व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स वाला शॉट दिखाया गया, उसको देख के लग रहा है कि शायद क्या बिल्डिंग दिखा दी जा रही है, डिस्टोपियन फ्यूचर में इस तरह की बिल्डिंग कैसे हो सकती है। लेकिन बाकी के टीजर में आप देखो वहां पे बिल्डिंग्स किस तरह से दिखाई है, शायद वो एक डिफरेंट सिटी है, जो सुपीरियर लोग हैं मतलब जो राज कर रहे हैं उनके ऊपर वो रहते हैं, वो उनकी सिटी है, लेकिन बाकी का जो पूरा शहर है वो तो डिस्ट्रॉयड ही है, वो पूरे टीजर में हमने देखा। और वहां पे वीएफएक्स में कुछ ज्यादा इतना कमी नहीं लग रही है। इवन पूरे टीजर में वीएफएक्स के 3-4 शॉट ही होंगे जहां पे लोगों को कमी दिखाई दे रही है, लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो चीता जो चल के आता है वो वाला शॉट, एक वो स्टार्टिंग का जो बिल्डिंग वाला व्हाइट वाला दिखाया मैंने वो वाला शॉट, और एक दो शॉट हो सकते हैं, लेकिन अच्छे शॉट्स भी तो देखो यार। हाँ, डिटेलिंग की कमी है, ठीक है वो हो जाएगा, मैंने जैसे पहले बात की है। इवन लास्ट वाला जो शॉट जहां पे बादलों के अंदर गणपति जी दिखाए गए हैं, वहां से मुझे एक और पॉइंट मिल गया जिसने मुझे इसके लिए एक्साइटेड कर दिया। हो सकता है कि कोई भविष्यवाणी वगैरह हुई हो जहां पे ऐसा बोला जा रहा हो कि भाई गणपति जी का कोई अवतार होगा या उनका भेजा हुआ कोई, यू नो जैसे चूजन वन का एक कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे कई सारी लीजेंड्स जोड़ दिए जाते हैं, तो वैसा कोई लेजेंड यहां पे जोड़ा गया हो, इसलिए इसको नाम भी दिया गया हीरो को गणपति। मुझे इसमें कई सारे रिलीजियस एंगल भी दिखाई दिए, इवन वो मंदिर में घंटियां बज रही है, शंख बजाया जा रहा है, तो मतलब हो सकता है कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो कोई रिलीजियस एंगल रखता हो, कोई स्पिरिचुअल एंगल रखता हो पहले से। तो गणपत का जो कैरेक्टर है इसका कोई ना कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल एंगल जरूर हमें दिखाया जाने वाला है। वैसे भी वो मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिखाया गया, तो हो सकता है इस मूवी में हमें हमारे कल्चर से रिलेटेड जो 7 चक्रास वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो योग वाला कॉन्सेप्ट है, उसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। ओवरऑल अगर बात करूं इस टीजर को लेकर, तो मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूं। मेरी होप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो कम भी नहीं हुई है। मैं इसके ट्रेलर का इंतजार करूंगा फुल पॉजिटिविटी के साथ, और मैं मूवी पॉजिटिविटी के साथ ही देखने जाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि इस मूवी के जो टीजर है वो लोग अपस्केल कर ले, मैं बता रहा हूँ लोग इस मूवी के लिए पागल हो जाएंगे। टाइगर श्रॉफ की आई थिंक अभी तक की सबसे प्रीमियम मूवी होने वाली है, और मत भूलिए कि इसके जो डायरेक्टर है वो विकास बहल है। बाकी चूंकि डिस्टोपियन
एलियन फ्यूचर बेस्ड मूवी है और काफी कुछ दिखाया है मूवी के अंदर, काफी सारी स्टोरी टेलिंग है, तो वो चीजें ब्रेक डाउन करने में थोड़ा टाइम भी जाएगा, जैसे हमने कल की का किया था, इसका भी करेंगे, उसका भी इंतजार करना। और अगर तुमने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वेट किस बात का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो ताकि तुम्हें टाइम पे वो वीडियो मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ये टीजर पसंद आया तो अपने रीजन कमेंट्स में बताओ, और अगर पसंद नहीं आया तो वो भी कमेंट्स में बताओ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।